आज हम ज्योग्राफी में एक लेक्चर और आगे बढ़ेंगे और आज हमारे टॉपिक का नाम है ट्रॉपिकल साइक्लोन्स। जब हम नेचुरल हजार्ड्स एंड डिजास्टर की बात करते हैं, इसमें हमने सभी हजार्ड एंड डिजास्टर वन बाय वन कवर किए। हमने अर्थक्वेक कवर किया अच्छे से, हमने ड्रॉट कवर किए अच्छे से, सुनामी कवर की, हमने फ्लड कवर किया। कवर ही नहीं किया टिल डेट गवर्नमेंट की क्या पॉलिसीज चल रही हैं, क्यों ये सारे के सारे डिजास्टर एंड हजार्ड बढ़ते चले जा रहे हैं, आने वाले समय में ये कैसे बड़े लेवल पर सभी कंट्रीज़ की जीडीपी को इरोड करते चले जाएंगे अंडर द डिज़ास्टर मैनेजमेंट फंड के नाम पर, और क्यों ये सबसे ज़्यादा मार्जिनलाइज सेक्शन द पुअर एंड द डिप्राइव्ड सेक्शन ऑफ द सोसाइटी को ही इम्पैक्ट करते हैं, हमने यह भी समझा। आज उसी श्रेणी में हम आगे बढ़ेंगे और हमारा अगला टॉपिक ट्रॉपिकल साइक्लोन है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, याद रखिए जब हम इसे इंडियन ज्योग्राफी के कॉन्टेक्स्ट में पढ़ते हैं तो केवल वहाँ पर इसको एक डिज़ास्टर के तौर पर लिया है, मतलब इससे क्रिएट होने वाले नुकसान और नुकसान से कैसे निपटना है ये समझाया गया है। लेकिन जब आप एक यूपीएससी एस्पिरेंट की तरह इसको पढ़ते हैं, आपको साइक्लोन इन कम्प्लीट इन टोटैलिटी समझना है। आपको उसकी फॉर्मेशन, उससे जुड़े हुए सारे उसके पार्ट, सारी प्री रिक्विजिट कंडीशंस, उसके इम्पैक्ट, उसके सुधार और रीसेंट ट्रेंड क्या देखे गए हैं, इसमें साइक्लोन गाजा और बाकी जो भी नए नए साइक्लोन्स हमारे देश में आए हैं हम वो भी कवर करेंगे। आज का लेक्चर हमारा फॉर्मेशन से लास्ट तक कवर होगा और इसके आगे जो सेकेंड पार्ट होगा ट्रॉपिकल साइक्लोन का, उसमें हम रीसेंट ट्रेंड्स कवर करेंगे, कौन सी नई साइंस एंड टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस गवर्नमेंट ने की है, इनको रोकने मतलब इनको और बेटर वे में अंडरस्टैंड करने, इनके द्वारा किए जा रहे नुकसान को और अच्छे लेवल पर रेस्क्यू करने को लेकर के। तो आज हम साइक्लोन्स की बात करते हैं, शुरुआत करते हैं हम ट्रॉपिकल साइक्लोन। लुक, देयर इज अ वर्ड ट्रॉपिकल साइक्लोन। व्हाई देयर इज अ वर्ड ट्रॉपिकल साइक्लोन? जब आप ग्लोब पे बात करते हैं तो ग्लोब पे दो तरह के साइक्लोन्स आपको देखने को मिलते हैं, एक टेम्परेट साइक्लोन और एक ट्रॉपिकल साइक्लोन। आज के लेक्चर में हमारा टेम्परेट साइक्लोन से कोई लेना देना नहीं। रीज़न ये है कि जब हम भारत की बात करते हैं तो भारत के बीचों बीच गुजरती है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के रीजन से अगर हम देखें तो इंडिया को अरेबियन सी एंड बे ऑफ बंगाल टच होता है। तो कुल मिलाकर के क्योंकि ये एक ओशियनिक एंड वाटर बॉडी फेनोमेना है, इसलिए हमें इसे बे ऑफ बंगाल एंड अरेबियन सी के कॉन्टेक्स्ट में ही समझना है। तो दैट्स व्हाई हम जब नेचुरल हजार्ड एंड डिजास्टर की बात करते हैं तो ट्रॉपिकल साइक्लोन्स उसमें आते हैं। ऐसा नहीं है कि भारत को टेम्परेट साइक्लोन एक्सपीरियंस नहीं होते। टेम्परेट साइक्लोन से विंटर की रेनफॉल होती है भारत में, पंजाब हरियाणा जम्मू कश्मीर राजस्थान सेंट्रल जैसे कि यूपी बिहार अरुणाचल प्रदेश तक वो बारिश आपको देखने को मिलती है और गेहूं की खेती के लिए वो बहुत अच्छी होती है। लेकिन उसे हजार्ड एंड डिजास्टर के तौर पर बहुत ही कम देखा जाता है। हजार्ड एंड डिजास्टर के तौर पर जिन साइक्लोन्स को देखा जाता है वो ट्रॉपिकल है, तो हमें ट्रॉपिकल से आज स्टडी करने हैं। ये बात क्लियर? साइक्लोन माने कि चक्रवात। पहले कुछ कुछ बातें समझ लेते हैं फिर हम इसको समझ लेंगे। अगर हम वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन WMO की बात करें तो वर्ल्ड लेवल पर जितने भी ट्रॉपिकल साइक्लोन्स एग्जिस्ट करते हैं उनका 6% लगभग इंडिया एक्सपीरियंस करता है, तो 6% ऑफ द वर्ल्ड ट्रॉपिकल साइक्लोन्स इंडिया एक्सपीरियंस करता है। अगर हम इंडिया के डाटा की बात करें तो इंडिया का जितना टोटल ज्योग्राफिकल लैंड है उस टोटल ज्योग्राफिकल लैंड का लगभग 8% ज्योग्राफिकल लैंड साइक्लोन्स को एक्सपीरियंस करता है, यानी कि इंडिया की वेस्ट एंड ईस्ट कोस्ट लाइन को साइक्लोन्स एक्सपीरियंस होते हैं। इंडिया की वेस्ट एंड ईस्ट कोस्ट लाइन को साइक्लोन एक्सपीरियंस होते हैं, उसमें से अगर हम कंपेयर करें तो 80% साइक्लोन्स इंडिया की ईस्ट कोस्ट लाइन की तरफ आते हैं और 20% साइक्लोन्स इंडिया की वेस्ट कोस्ट लाइन की तरफ आते हैं। मैंने इसको छोड़ दिया है, लेकिन अगर जब हम इंडिया की बात करते हैं तो तकरीबन सारा रीजन कवर होता है ईस्टर्न कोस्ट का, तो 80% ईस्ट कोस्ट की तरफ आते हैं, 20% वेस्ट कोस्ट की तरफ आते हैं, मतलब 80% इन द बे ऑफ बंगाल एंड 20% इन द अरेबियन सी। अगर हम स्टेट वाइज बात करें तो तमिलनाडु कवर होता है, आंध्र प्रदेश पूरा कवर होता है, उड़ीसा कवर होता है एंड वेस्ट बंगाल कवर होता है। तो ईस्टर्न कोस्ट के सारे स्टेट्स तमिलनाडु आंध्र उड़ीसा वेस्ट बंगाल सभी इसमें कवर होते हैं। इसमें से आपसे कोई पूछे कि सबसे ज़्यादा डिवास्टेशन कहाँ क्रिएट होता है, आंध्र प्रदेश एंड उड़ीसा, इसमें वेस्ट बंगाल अपनी ही तरह की एक पोजीशन लेकर के बैठा हुआ है, जिसकी वजह से वेस्ट बंगाल को भी बहुत ही इंटेंस साइक्लोन देखने को मिलते हैं। लेकिन मोस्टली आंध्र प्रदेश उड़ीसा काफ़ी प्रभावित रहते हैं इन साइक्लोन से। अगर आपसे कोई पूछे कि तमिलनाडु का ये पर्टिकुलर एरिया और केरला का ये रीजन क्यों नहीं प्रभावित होता है, तो उसका सीधा सीधा आंसर कर देना, यहाँ पर आपको श्रीलंका देखने को मिल जाता है क्योंकि रास्ते में श्रीलंका है, तो श्रीलंका के द्वारा ये रीजन शैटर हो जाता है इंडिया का, दैट इज़ द रीजन। इसी तरह से अगर आप सुनामी का वर्ल्ड मैप देखेंगे तो अफ्रीका की अगर आप बात कर रहे हैं तो अफ्रीका को काफ़ी बड़ा हिस्सा सुनामी से प्रभावित नहीं रहता क्योंकि यहाँ पे मेडागास्कर है। एक बार UPSC में क्वेश्चन आ चुका है
कि अफ्रीका के किस रीजन में सुनामी 2004 की महसूस नहीं हुई थी, आपको सारी कंट्रीज याद करने की ज़रूरत नहीं थी। अगर आपने लोकेशन देख रखी थी तो आपको आइडिया पता है, आपको पता है ये मेडागास्कर से शेल्टर्ड है, कवर्ड है, इसलिए यहाँ पर सुनामी देखने को नहीं मिलती। आई बात समझ में? तो इसी बेसिस पर अगर हम देखें कि वेस्ट कोस्ट में कहाँ कहाँ पर सबसे ज़्यादा मिनेज देखने को मिलता है, तो वेस्ट कोस्ट में गुजरात वो स्टेट है जिसमें सबसे ज़्यादा साइक्लोन्स आपको देखने को मिलते हैं। और गुजरात का भी कच्छ का इलाका है, काठियावाड़ का इलाका है, जामनगर का इलाका है, जूनागढ़ का इलाका है, जहाँ सबसे ज़्यादा साइक्लोन्स आपको देखने को मिलते हैं। हाँ, महाराष्ट्र में भी आपको कुछ साइक्लोन एक्सपीरियंस हो जाते हैं, लेकिन मेजॉरली अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है तो गुजरात। हमें क्लियर हुआ ये हमारे ईस्ट कोस्ट, बंगाल, बे ऑफ बंगाल, अरेबियन सी, 8% ऑफ द टोटल एरिया, 80% इन द बे ऑफ बंगाल, 20% इन द। अब अगर आपसे कुछ पूछे कि साइक्लोन क्या है, इट इज़ अ चक्रवात, चक्रवात मतलब रोटेशन मोशन में काम करती हुई कोई चीज़, सारी वन बाई वन समझाएंगे, एक एक पानी की बूंद से एक भव्य 500 किलोमीटर डायमीटर वाला चक्रवात बना के दिखाएंगे, पहले कंसेप्ट समझिए। जब आपसे कोई पूछे कि साइक्लोन आया है तो कौन सी तीन चीज़ें अपनी झोली में भर के लेके आया है, तो तीन चीज़ें ये लेकर के आया। साइक्लोन जब भी आएगा तो आपके पास सबसे पहले क्या लेके आया है, विंड, और इन विंड को आप क्या कहते हैं, गेल विंड, गेल विंड्स, गेल फोर्स से चलने वाली विंड्स। गेल विंड्स कौन सी होती हैं, जो 34 नॉट्स या 63 किलोमीटर पर आर की स्पीड से ज़्यादा चले, डन, 63 किलोमीटर पर आर की स्पीड से ज़्यादा चलने वाली विंड को हम गेल फोर्स विंड कह देते हैं। ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो साइक्लोन है। ये नहीं है कि 50 किलोमीटर पर आर की रफ्तार से हवा चल रही, कह रहे साइक्लोन आ गया, ऐसा नहीं है। ऐसा अत्याचार नहीं करना, पहले 34 नॉट्स की कंडीशन सेटिस्फाई करना, गेल फोर्स को लेकर के आना, और 63 किलोमीटर पर आर के ज़्यादा, ओके। उसके बाद अगर हम बात करें तो अगली कंडीशन कौन है, तो अगली कंडीशन है स्टॉर्म सर्जेस। इसमें स्टॉर्म सर्जेस होते हैं, स्टॉर्म सर्जेस क्या होते हैं, एक भी वर्ड जो मैं बोल रहा हूँ उसके साथ जो मैं फिगर्स बता रहा हूँ भूलना नहीं है। आंसर में अगर नेचुरल हजार्ड आ गया तो फिगर बतानी है, जनरलाइज बातें नहीं करनी है कि हाँ हाँ साइक्लोन आता है, हाँ बड़ा नुकसान करके जाता है, बड़े परेशान रहते हैं और मैं बड़ी दुखी रहती हूँ। मैं जब भी सुनती हूँ मम्मी पापा बताते हैं साइक्लोन आ गया था, बड़े लोग मारे गए थे, बड़े यूपीएससी वाले पता ढूंढ के नरसंहार करेंगे आपका। तो मेन बात ये है कि विंड मैंने गेल विंड 34 नॉट मैंने KNOT वाला नॉट मैंने 63 किलोमीटर पर आर वाला मैंने स्टॉर्म सर्जेस। स्टॉर्म सर्जेस क्या होती हैं, ये एक अजीब सी जल की आकृति है, समुद्री जल में एक अजीब सी आकृति बनती है, वो मैं बना के बताऊँगा। इसमें समुद्र का पानी लहरों की भांति एक खास तरह की टाइड्स की तरह 7-7 मीटर ऊपर उठना शुरू हो जाता है, और कुछ साइक्लोन्स ऐसे आए हैं जिसमें ये 13 मीटर तक ऊपर उठा था, मैंने 41 फुट, और ये 20 किलोमीटर अंदर तक आता है। स्टॉर्म सर्ज वाटर कोस्ट से 20 किलोमीटर तक अंदर आ जाता है, और 20 किलोमीटर यहाँ से नापना शुरू करो तो बहुत होता है, अपने अंदर सब कुछ डुबा के ले जाता है। सबसे ज़्यादा कौन सी तब करता है, जब ये वापस जाता है, आया है तो वापस भी जाना। तो स्टॉर्म सर्जेस 5-7 मीटर की एवरेज हाइट की लहरें बनने लग जाती हैं, समुद्र का जलस्तर उठ जाता है, और कई बार 13-13 मीटर की मिलती हैं, 20 किलोमीटर अंदरूनी तक आ जाता है, ये इसका नुकसान है। अगला इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट टॉरेंशियल रेनफॉल। टॉरेंशियल रेनफॉल होता है मतलब आम रेनफॉल में होने वाली पानी की बूंदों से इतनी मोटी मोटी बूंदें होती हैं, और दूसरा जिन जिन स्टेट में 100-150 सेंटीमीटर रेनफॉल सारे साल में होता है, 50 सेंटीमीटर रेनफॉल इन फ्यू आवर्स और इन फ्यू डेज ही हो जाता है। तो 50 सेंटीमीटर रेनफॉल वो भी मोटी मोटी बूंदों वाला तो बर्बादी कर देता है, वो बर्बादी करके बताएंगे। तीन चीज़ें तो पक्का आई, तो फिर महंगे मम्मी स्ट्रॉन्ग, तो ये तो साइक्लोन ही था। पहला गेल फोर्स से विंड आ गई, दूसरा स्ट्रॉन्ग सर्जेस हो गए, तीसरा टॉरेंशियल रेनफॉल हो गया, तो फिर तो साइक्लोन हो ही गया। बाकी छोटी छोटी बातें तो बना ही देंगे, कोई बात नहीं। अब सवाल ये पैदा होता है इसका नाम साइक्लोन क्यों पड़ा है, साइकिल की तरह होता है क्या? तो उसको जस्टिफाई करने के लिए कुछ फिनोमेना समझाने होंगे, जब वो समझ आ जाएंगे तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। सबसे पहले समझिए ये होता कहाँ पर, तो ये होता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, लेकिन ये लाइन पूरी सही नहीं है, ऐसा कहीं कहीं लिखा होगा तो मैंने बोल दिया। अगर MCQ में खाली इतना आ जाए तो ये सही है, लेकिन मेन बात है 30 डिग्री नॉर्थ से 30 डिग्री साउथ, तो ये अगर इक्वेटर है तो 30 डिग्री नॉर्थ से 30 डिग्री साउथ लेटीट्यूड के बीच में क्या बनते हैं, साइक्लोन्स। ये रीजन कौन सा है, ट्रॉपिक्स, तो इसलिए इसका नाम क्या है, ट्रॉपिकल साइक्लोन। क्लियर कहानी। अब ऐसे में आपसे अगर पूछ ले कि ये तो तुमने बता दिया, आप किसी से डिबेट कर रहे हो, जान तो आपकी लेके ही छोड़ेगा, वो तो ये कैसे मान ले कि आपको भी साइक्लोन पता है, तो आपसे पूछेगा अच्छा मतलब 30 डिग्री नॉर्थ से 30 डिग्री साउथ के बीच में हर जगह पे बन जाते हैं, तो फिर उसे कह देना नहीं बेटा ये नहीं बनता है इक्वेटर पे, क्योंकि वहाँ पे कोरोलिस फोर्स नहीं है,
इक्वेटर पर कोरियोलिस फोर्स नहीं है, इसलिए 0 से 5 डिग्री नॉर्थ 0 से 5 डिग्री साउथ के बीच में ये नहीं बनते हैं, इसके अलावा बनते हैं। फिर भी उसको चैन कहाँ पड़ेगा, वो कहेगा सबसे ज़्यादा कहाँ बनते हैं वो बताओ, वो ना सबसे ज़्यादा 10 से 20 डिग्री लैटिट्यूड के बीच में बनते हैं। इसमें बताओ सबसे ज़्यादा कहाँ बनते हैं, तो सबसे ज़्यादा 20 डिग्री लैटिट्यूड पर बनते हैं। तो सबसे ज़्यादा 20 डिग्री लैटिट्यूड पे आपको साइक्लोन एक्सपीरियंस होते हैं। डन, क्लियर है कहानी भाई? ओके, तो 30 डिग्री नॉर्थ से 30 डिग्री साउथ में होते हैं, 0 इक्वेटर से 5 डिग्री नॉर्थ 0 इक्वेटर से 5 डिग्री साउथ के बीच में नहीं होते हैं। क्यों नहीं होते हैं? कोरियोलिस फोर्स नहीं होती है। कोरियोलिस फोर्स किस चिड़िया का नाम है अभी बता देंगे, इतनी बात समझ में आ गई? ट्रॉपिकल नाम समझा दिया ना मैंने? अब तो केस नहीं करोगे कि ट्रॉपिकल क्यों बोला, करोगे तो हार जाओ, पैसा बर्बाद करोगे और क्या। इतनी बात समझ आई? चलिए तो आगे बढ़ते हैं। बीमार हो ना इसलिए ये सब करना पड़ता है, ताकि तुम खुश रहो, पढ़ाई ध्यान रहे। अब आइए हम ट्रॉपिकल साइक्लोन को समझने का प्रयास करते हैं। बड़े बड़े दिग्गज लगे रहेंगे कि पता करने में कि ये साइक्लोन बनता कहाँ से, बड़ा मुश्किल है, किसी को नहीं पता लगा। लेक्चर सुनने वाले हंसेंगे कि किसी को नहीं पता लगा, तुमको पता लग गया और पढ़ाने जा रहे हो कि कैसे बनता है। हाँ, हमें पता लग गया, हमें पता है क्योंकि हमें आपको पढ़ा के क्वेश्चन सॉल्व कराने। तो बड़े बड़े दिग्गज लगे रहे, क्लियर कट किसी को नहीं पता कि ट्रॉपिकल साइक्लोन कैसे बनता। अलग अलग किताबें पढ़ो, अगर अलग अलग राइटर के NCERT पढ़ लो, कुल्लर पढ़ लो, सविंदर सिंह पढ़ लो, गाइचिंग लियोंग पढ़ लो, और भी पढ़ लो, फिर आपको पता लगता है सबके कुछ कुछ कारण हैं। और अंततः अगर आपका पूरा दिल लग गया है साइक्लोन के साथ, तो समझ जाओगे कि सभी कारण मिलके साइक्लोन बनता है, सभी कारण मिलके साइक्लोन बनता है। कौन सा वाला? ट्रॉपिकल वाला। और हम सारे कारण समझा देंगे, साइक्लोन तो बना के देंगे। तो साइक्लोन की फिर कुछ प्री रिक्विजिट कंडीशन है, मतलब यह संभावनाएं हैं, यथा संभव ये फिर ही आपको चक्रवात मिलेगा। तो चलिए वह कंडीशन समझाने का प्रयास करते हैं। सबसे पहली कंडीशन आपसे कोई पूछे कि भाई कौन सी वेरी फर्स्ट कंडीशन कि आप कह सकते हैं कि हाँ साइक्लोन बन सकता है, तो सी सरफेस टेम्परेचर मिलना चाहिए 27 डिग्री सेल्सियस। एग्जैक्ट अगर आए तो कोई कहे पूरा 27 है क्या, तो बोलो 26.5, लेकिन लफड़े जमाने में ना डालने के लिए 27 डिग्री। तो 27 डिग्री सेल्सियस का क्या मिलना चाहिए? सी सरफेस टेम्परेचर। ओके, सी ओशियन सरफेस टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। अब आप कहेंगे वाटर नहीं लिखा, तो भैया मैंने तो आज तक यही सुना है सी और ओशियन में पानी होता है, वाटर तो नहीं लिखना चाहिए था। आपको भी इतना ही पता है शायद, कई लोग कह सकते हैं क्यों नहीं लिखा सी और ओशियन वाटर सरफेस टेम्परेचर, नहीं लिखा भाई, देख लेना गलत है तो बता दूँ। तो सी सरफेस टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। अब कुछ ऐसे भी हैं, देखो कहीं कहीं से एक्स्ट्रा पढ़ लेते हैं ना। अब UPSC की तैयारी भी खासियत है, जब आप पढ़ रहे हैं तो हमेशा आप डब्बा पहले पढ़ते हैं पेज बाद में, क्योंकि डब्बे में क्या लिखा हुआ है एक्स्ट्रा और मिसलेनियस और इम्पॉर्टेंट, तो वो पहले पढ़ना है। तो डब्बे में से पढ़ी हुई जानकारी ये कहती है कि ये जितने भी ट्रॉपिकल ओशियन हैं उनके ईस्ट में ज़्यादा बनते हैं कि वेस्ट में, तो आंसर इज वेस्ट में। तो ऑल द ट्रॉपिकल ओशियन के वेस्टर्न मार्जिन पर ज़्यादा बनते हैं, डब्बा ये कह रहा है। तो अब हम उसे समझा देते हैं कि डब्बा ऐसा क्यों कह रहा है। डब्बा ऐसा इसलिए कह रहा है क्योंकि जितने भी हमारे 30 डिग्री नॉर्थ से 30 डिग्री साउथ के बीच का रीजन है, ये सारे रीजन में आप सब जानते हैं एक घटना घटित होती है, वो क्या है? ट्रेड विंड। ट्रेड विंड समझाने के लिए हम छोटा सा पृथ्वी का गोला बनाते हैं, इसके ये इक्वेटर है, ये यहाँ से चल रही है, ये 30 डिग्री नॉर्थ और 30 डिग्री साउथ है। और 30 डिग्री नॉर्थ और 30 डिग्री साउथ क्या बताती है कि होता क्या है, यहाँ से हवाएँ आ रही हैं इस तरह से इक्वेटर की तरफ, और इक्वेटर पर आने के बाद ये कन्वर्ज कर रही हैं, कन्वर्ज करने के बाद दोनों ऊपर उठ रही हैं, क्योंकि यहाँ पर सन वर्टिकल रहता है ऑलमोस्ट सारा साल, इसकी वजह से टेम्परेचर बहुत हाई है, तो फिर हवा एक्सपेंड कर जाती है। जब हवा एक्सपेंड कर जाती है तो हवा हल्की हो जाती है, हल्की हो जाने के बाद एयर का पैकेट फिर ऊपर उठता है, तो यहाँ पे वैक्यूम क्रिएट होता है, उस वैक्यूम को फिल करने के लिए इन एरिया से हवा उसे भरने के लिए आती है, तो भर करके फिर कन्वर्ज करके ऊपर उठती है, तो एक साइकिल चलता ही रहता है, इसलिए इसको हम कन्वर्जन जोन कहते हैं। तो इक्वेटर का ये रीजन है जहाँ से हवाएं ऊपर उठ रही हैं, तो ये तो लो प्रेशर ही है ना भाई, जहाँ से चीज़ ऊपर ही उठ गई, नीचे है ही नहीं, तो लो प्रेशर, तो इट इज़ अ लो प्रेशर। लेकिन यहाँ से उठ उठ के कहाँ जाती है, ये उठी उठी जा करके बिगड़ी बिगड़ी जा करके गिर गई, 30 डिग्री पे गिरती है तो वहाँ पे हाई प्रेशर। 30 डिग्री पे गिरने के बाद दो टुकड़े हुई, एक टुकड़े इक्वेटर की तरफ आया, एक टुकड़ा ऊपर की तरफ गया, 30 डिग्री से 60 डिग्री की तरफ हवा जा रही है यहाँ से, इसको हमने क्या कहा, टेम्परेट वेस्टर्ली। और फिर 60 डिग्री पे जा करके ये इकट्ठी हुई, तो ये जो पर्टिकुलर यहाँ पर गिरी थी,
ये 60 डिग्री की तरफ एक पोलर रीजन से भी हवाएं आ रही हैं, ये नॉर्थ से आ रही हैं, साउथ से यहाँ पे टकरा करके ऊपर उठती हैं और ये ऐसे जा करके गिर रही हैं। क्लियर? यस सर। तो आपके सामने कौन सी हवाएं हैं? 90 डिग्री पे पोलर ईस्टरली, यस सर, ईस्टरली मतलब जो ईस्ट से आ रही, 30 डिग्री के अराउंड टेम्परेट वेस्टर्ली, यस सर, वेस्टर्ली मतलब जो वेस्ट से जा रही है। इक्वेटर पे क्या है? नॉर्थ ईस्ट से और साउथ ईस्ट से आने वाली ट्रेड विंड। वो मुद्दे की बात यहाँ पर क्या है, ये जो ट्रेड विंड है थ्रू आउट द ग्लोब ईस्ट से वेस्ट चलती है, ईस्ट से वेस्ट चलती है, और ऐसे में सन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर में ऊपर नीचे होता रहता है नॉर्थवर्ड एंड साउथवर्ड माइग्रेशन, क्योंकि अर्थ हमारी इंक्लाइंड है। इसकी वजह से सन दो बार इक्विनॉक्स बनाता है, एक स्प्रिंग इक्विनॉक्स एक ऑटम इक्विनॉक्स, और दो बार सॉलिस्टिस बनाता है, एक समर सॉलिस्टिस एक विंटर सॉलिस्टिस। तो 21 जून को समर सॉलिस्टिस जब सन वर्टिकल होता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, 22 दिसंबर को विंटर सॉलिस्टिस जब सन वर्टिकल होता है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, 23 मार्च को स्प्रिंग इक्विनॉक्स जब सन वर्टिकल होता है इक्वेटर पे, और 23 या 21 सितंबर को ऑटम इक्विनॉक्स जब सन कहाँ होता है इक्वेटर पे। अर्थ के इंक्लाइंड होने की वजह से उस इंक्लाइंड वर्जन में जब अर्थ रिवॉल्व करती है सन के अराउंड, तो कभी उसका एक बल्ज एरिया सन को फेस करता है, कभी दूसरा बल्ज एरिया सन को फेस करता है। इसकी वजह से हमें ऐसा लगता है कि देर इज अ मूवमेंट ऑफ द सन, बट इट इज़ अ वर्चुअल मूवमेंट नॉट रियल, इट इज़ अ वर्चुअल नॉर्थवर्ड एंड साउथवर्ड मूवमेंट ऑफ द सन। और वह इक्वेटर से 23 डिग्री नॉर्थ, इक्वेटर से 23.1/2 साउथ, इसलिए नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, साउदर्न हेमिस्फीयर में ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न बनता है। मतलब ये वो लाइनें हैं जहाँ तक सन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में वो लास्ट पॉइंट जहाँ पे वर्टिकल रेज दे रहा है, एंड साउदर्न हेमिस्फीयर में वो लास्ट पॉइंट जहाँ पर वर्टिकल रेज दे रहा है, वो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर वाला ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। अब ऐसे में ईस्ट से वेस्ट जो विंड चल रही है, सारे ओशियन को टेम्परेचर सारा साल मिल रहा है सन का, इसकी वजह से सरफेस वाटर तो गर्म ही है, लेकिन ईस्ट से वेस्ट चलने वाली हवाएं पानी के साथ फ्रिक्शन क्रिएट करके पानी के कॉलम को ईस्ट से वेस्ट लेकर के आती हैं, और ईस्ट से वेस्ट लाने की वजह से वेस्ट में पाइलअप करती हैं। इसके पाइलिंग इफेक्ट की वजह से वेस्ट में ऑलमोस्ट 60 से 70 मीटर डीप वाटर कॉलम क्रिएट होता है वार्म। इसकी वजह से जो सब सरफेस कूल वाटर है वो सरफेस वार्म वाटर से मिलकर उसके टेम्परेचर को डाउन नहीं कर पाता, बिकॉज देयर इज अ थिक वार्म वाटर कॉलम जो कि ईस्टवर्ड नहीं होता। ईस्ट से ईस्ट ट्रेडिंग विंड्स आने की वजह से वहाँ से जो सरफेस वाटर वार्म डिस्प्लेस हुआ है उसकी जगह नीचे से ठंडा पानी ऊपर आया, अपवेलिंग जोन। दैट्स वाई साउथ अमेरिका के वेस्ट कोस्ट पे पेरू के किनारे अपवेलिंग जोन है, जिसकी वजह से सब सरफेस न्यूट्रिशन सरफेस पे आते हैं, जिसकी वजह से जू प्लैंकटन फाइटोप्लैंकटन बहुत होते हैं, उनको खाने के लिए मछलियाँ आती हैं, इसलिए वहाँ से मच्छी पालन बड़ा ज़बरदस्त होता है। लेकिन अगर आप ऑस्ट्रेलिया के ईस्ट कोस्ट में आएँ, वहाँ पर पाइलिंग ऑफ द वार्म वाटर हो रहा है, वहाँ पर वाटर कॉलम रेज हो चुका है। क्यों? क्योंकि एक्युमुलेटिंग इफेक्ट ऑफ द ट्रेड विंड, इसकी वजह से वहाँ पे गर्मी बहुत है। दिस इज़ अ रीज़न कि पूरे ग्लोब में ओशियंस के वेस्टर्न मार्जिन पे आपको साइक्लोन बनते दिखेंगे, बिकॉज 27 डिग्री सेल्सियस सी सरफेस टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट यहाँ पे पूरी होती है। आई बात समझ में? ओके, किसी कोई संशय है तो बता दो, आगे बढ़े। अब ये जो बनाया था इसकी और भी कहानी है, वो समझानी है, बाद में मत कहना फिर से वो बनाऊँ, अभी देख लो इसको अच्छे से, समझ आ गया? जिनको नहीं समझ आ रहा है, जो हमारे दूरदर्शन के दर्शक हैं, उनको हम ये कहना चाहते हैं हमारे मॉनसून वाले क्लाइमेट वाले लेक्चर सुन लीजिए प्लीज़, फिर आपको ये बहुत अच्छे समझ आएगा। ओके, चलिए अब देखिए, असल में दूरदर्शन ही कहना सही है, दूर से दर्शन करते हैं ना, दूरदर्शन के दर्शक हैं। दूरदर्शन का नाम दूरदर्शन को रखा, समझ आ गया? बिकॉज इट इज अ टेलीविजन, टेली मैंने लॉन्ग डिस्टेंस दर्शन, टेलीफोन, टेलीपैथी, टेलीविजन, बेटा टेली वर्ड का मीनिंग होता है लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन, दैट्स व्हाई इट्स नेम इज दूरदर्शन। आपको लगा पता नहीं किसी बंदे का नाम है दूरदर्शन? नहीं, ये इसी का नाम है, इंग्लिश की हिंदी। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दूरदर्शन वाले बच्चों को हमारी सलाह है कि मॉनसून क्लाइमेट वाले लेक्चर सुन लें। अब जो हम समझाना चाहते हैं वो क्या समझाना चाहते हैं, 27 डिग्री वाटर टेम्परेचर होना चाहिए, वेस्टर्न मार्जिन ही होता है ओशियंस का, और इसीलिए हम आपको समझा देते हैं वेस्टर्न मार्जिन से मेरा कहने का भाव क्या है। यहाँ पे देखिए ऐसे करके अमेरिका है, जैसा हम बना ले वाली मर्जी, चलो ठीक कर देते हैं, ऐसे करके पान के पत्ते की तरह है ना, अब तो बुझो, ये सेंट्रल अमेरिका और फिर ये ऐसा नीचे को साउथ अमेरिका,
तो यहाँ पर क्या आपके मुताबिक यहाँ पे अटलांटिक ओशन एस शेप का, तो इसलिए एस शेप का जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में ये जो कैरेबियन का रीजन है गल्फ ऑफ मैक्सिको, तो अटलांटिक ओशन के वेस्टर्न रीजन में यहीं पे बनते हैं हरिकेन। तो जो साउथ ईस्ट अमेरिका को इम्पेक्ट करते हैं यूएसए को वो क्या होते हैं हरिकेन, हरिकेन कटरीना सब जानते हैं, डिवास्टेटिंग। माय नेम इज खान फिल्म वाले जितने भी हरिकेन थे, शाहरुख खान कहाँ गया था लोगों को बचाने जहाँ पे हरिकेन आया था? देखी थी मूवी कि नहीं? यूपीएससी तैयारी करते हो, फिल्में नहीं देखते तो कुछ भी समझ नहीं आएगा। सारी ज्योग्राफी ओशियन माउंटेन सब फिल्मों में दिखाया जाता है, जितना बुक्स में पढ़ते हो वो सब इमेजिन करने के लिए फिल्में देखनी पड़ेंगी, मजाक नहीं कर रहा। छोले देखी होगी तो पता होगा कर्नाटक के रोलिंग प्लेन कैसे हो, क्योंकि रामपुर सारा बेंगलोर में बनाया गया। आई बात समझ? तो यहाँ पर क्या क्रिएट होते हैं हरिकेन। तो आपका एक एमसीक्यू सॉल्व हो गया भैया कि ट्रॉपिकल साइक्लोन्स को अमेरिका में या अटलांटिक ओशन में क्या कहते हैं, हरिकेन। ओके, अब आगे बढ़ गए, इंडिया क्या बना रखता है? सपोज करो ये अटलांटिक ओशन था, अटलांटिक ओशन के आगे ये अफ्रीका है, अफ्रीका के आगे ये तो सारा सभी को पता है, सब दुनिया जानती है ये इस तरह का इंडियन ओशन है जिसके बीच में हमारा इंडिया घुसता है, तो इसलिए ये हो गया बे ऑफ बंगाल, ये हो गया अरेबियन सी। तो ये पूरे इंडियन ओशन के भी किधर बनता है भाई? वेस्टर्न मार्जिन पे, वेस्टर्न मार्जिन पे। ओके, इसी तरह से पैसिफिक है, पैसिफिक के भी किधर बनता है? वेस्टर्न मार्जिन, मैंने चाइना, मैंने जापान, मैंने फिलीपींस। तो फिर इसको इंडियन ओशन में क्या कहते हैं? साइक्लोन। इसको ये वेस्टर्न पैसिफिक ओशियन और साउथ चाइना सी में क्या कहते हैं? वेस्टर्न पैसिफिक ओशियन और साउथ चाइना सी में क्या कहते हैं? इसका नाम क्या? टाइफून। टाइफून, TYPHOON। इसको फिलीपींस के एरिया में क्या कहते हैं? बैग्यू, बैग्यू, BAGUIO। लिख देते हैं यार, दूरदर्शन वाले बच्चे कहते हैं सर लिख भी दिया करो, बैग्यू फिलीपींस में, टाइफून चाइना में, और जापान वाले कहते हैं चाइना ने जो बोला है वो नहीं बोलेंगे, हमारा अपना नाम होगा, सुनने में वैसा ही लगेगा टाइफू। अब ये तो दुश्मनी हो गई, मतलब एक ही नाम रख देते तो क्या था? टाइफू, टाइफून, बैग्यू। भारत वाले क्या कहते हैं साइक्लोन इंडियन ओशन में? ऑस्ट्रेलिया वाले कहते हैं हमारा भी अपना है, हम हमेशा वो नाम रखते हैं जो किसी ने सुने ना हो। तो ऑस्ट्रेलिया में कहते हैं बिल्ली बिल्ली, ऑस्ट्रेलिया में कहेंगे बिल्ली बिल्ली, आर यू विलिंग, ऐसा बोलते हैं वहाँ पे। ओके, तो हरिकेन, टाइफून, टाइफून, विली विली, मजाक मजाक में कर लिया, कल भूल भी जाना, परसों पहुँच रहेगा, होना भी नहीं। हमारी खासियत सब मजाक में कराते हैं, लेकिन कराते सब काम का ही है। ओके, इतनी बात क्लियर? Yes, तो इसके अलग अलग नामों से जाना जाता है, हमने ये सिद्ध कर दिया कि ये सभी ओशन के वेस्टर्न मार्जिन पे होता है। कोई बहुत डीप पढ़ा हुआ आएगा और एक सवाल करेगा, ऑलवेज वेस्टर्न मार्जिन पे होगा? फिर फंसोगे, फिर कहोगे सर आपने इतना डीप क्यों नहीं पढ़ाया, दिल्ली जाके पिट गए। वहाँ पर एक बंदे ने पूछ लिया, तो जब एल नीनो की परिस्थिति आती है तब सिचुएशन बदलती है, तब वेस्ट पैसिफिक नहीं ईस्ट पैसिफिक बॉम हो जाता है। वेस्ट पैसिफिक नहीं ईस्ट पैसिफिक ज़्यादा बॉम होता है, तो उस टाइम पर हरिकेन बनने की परिस्थिति क्या होगी? शिफ्ट हो जाएगी, उस टाइम पर हरिकेन शिफ्ट हो जाएगा। बस ओके, इतनी सी बात ही है, टेंशन की कोई बात नहीं। ओके, यस सर। पहली कंडीशन हमने सिद्ध कर दी, 27 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर का सरफेस वाटर होना चाहिए। किसी ने अभी तक नहीं पूछा सर इतना गर्म सरफेस वाटर क्यों मांगा आपने, ये क्या करने वाला था, ऐसा क्या ही कर देगा? मैं खुद ही बताता हूँ कि क्या करे और क्या नहीं करे, उसके लिए पहले कुछ कंसेप्ट समझो। चलिए आपको प्रेशर के बारे में एक कहानी बताऊँ छोटी सी। आपने अक्सर सुना होगा पढ़ाई का बड़ा प्रेशर है, सुना होगा जिंदगी का प्रेशर, कई तरह के प्रेशर आते हैं ना सुबह से रात आपके अंदर, वो सारे प्रेशर से एक प्रेशर और निकलता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ये सारे प्रेशर आपके ऊपर तभी लगे हैं क्योंकि एटमॉस्फेयर का एक प्रेशर है, वो अभी ख़त्म कर दूंगा जिंदगी के सारे प्रेशर खत्म हो जाएंगे। ओके, एटमॉस्फेयर का प्रेशर क्या होता है? ये वजन है, अभी वर्ड बोला प्रेशर, अभी मतलब वजन, वर्ड बोला वजन, वजन मैंने वेट, ये वेट है, किसका वेट है? एक वर्टिकल कॉलम ऑफ एयर है सी सरफेस से लेकर के एटमॉस्फेयरिक लिमिट तक का, एक वर्टिकल कॉलम ऑफ एयर है सी सरफेस से लेकर के एटमॉस्फेयरिक लिमिट तक, किसी भी एक यूनिट एरिया में उसका वजन एटमॉस्फेयरिक प्रेशर है। सिंपल, एक वर्टिकल कॉलम ऑफ एयर है सी सरफेस से लेकर के एटमॉस्फेयरिक लिमिट तक, उसका वजन ही एटमॉस्फेयरिक प्रेशर है।
तो मतलब आप सब पे लग रहा है एक एटमॉस्फेयर का प्रेशर, क्योंकि एटमॉस्फेयर किससे बना है? गैसियस मॉलिक्यूल्स, इवेपोरेटेड मॉइस्चर पार्टिकल्स, और सभी में कुछ तो वजन होगा। वह वजन आपके ऊपर लग रहा है तो वो क्या है? एटमॉस्फेयर का वजन। तो वजन से क्या क्रिएट होता है? प्रेशर। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ओके, अभी एटमॉस्फेरिक प्रेशर की कहानी मैंने क्यों सुनाई? कहानी सुनानी जरूरी है। अक्सर हम गलती कर देते हैं कि हम कुछ चीज़ों को मिक्स कर देते हैं। तो चीज़ें कैसे मिक्स हो जाती हैं उसको समझिए। देखिए, जब भी हम बात करते हैं पवन पुत्र हनुमान की, तो पवन, पवन क्या है? विंड किसको कहते हैं? काम कैसे चलता है? एयर तो हमेशा है। जो पानी की बोतल है इसमें आधा पानी आधी हवा है कि नहीं? मानते कि नहीं? Yes, नहीं मानते हो बता, फेंक देते हैं। मानते हो कि नहीं? Yes, मान लिया आपने, थैंक यू। इसमें आधी हवा आधा पानी है। हवा तो है, विंड थोड़ी ना है। हवा तो है पर विंड थोड़ी ना है। हवा का एक जगह से दूसरी जगह बह जाना ही तो पवन कहलाता है, विंड कहलाता है। आई बात समझ में? अब पॉइंट ए पे भी हवा है, पॉइंट बी पे भी हवा है, पॉइंट सी पे भी हवा है। हम सब भी खड़े हैं, हम सब में भी हवा है, कोई परेशानी नहीं हो रही, सब कुछ बिल्कुल ठीक है। लेकिन अचानक से बी की तरफ वो हवा चलेगी, और जब वो चलेगी तो उसे हम क्या कहेंगे? विंड। इतनी बात समझ में आई? ये मैदान है, यहाँ से यहाँ जाते हैं तो कहते हैं वर्टिकल है, यहाँ से यहाँ जाते हैं तो कहते हैं हॉरिजॉन्टल है। ऐसा लोग कहते हैं, मैं भी कहने लगा, ये वर्टिकल है ये हॉरिजॉन्टल है। तो जब हॉरिजॉन्टली एक पॉइंट से दूसरी पॉइंट तक जब एयर जाती है तो उसे कह देते हैं विंड। मान लेते हो इस बात? Yes, आज तो आप ट्रस्ट करते हो इस बात? Yes, चलो मैं भी करता हूँ। तो इसको हम क्या कहते हैं? विंड। विंड। अब समझाएंगे हम क्या समझाना चाहते हैं। इसे एडवेक्शनल विंड क्यों कहते हैं वो समझेंगे। ये चली कैसे इधर से उधर, उसको समझना जरूरी है। अभी मैंने बोला कि ये पूरे प्लेनेट पे एटमॉस्फेयर का प्रेशर है, बोला मैंने। Yes, अभी मुझे बाजीराव भी आ जाएगा, मैं उसके स्टाइल में बोलने लगूंगा, क्योंकि मेरे दो तीन स्टूडेंट उसकी एक्टिंग बहुत करते हैं। बोला देयर इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ओके, अब गेम कहाँ से स्टार्ट होती है सुनो। जब हमें एटमॉस्फेरिक प्रेशर कॉपी पे दिखाना है तो कैसे दिखाते हैं? प्रेशर बार से। प्रेशर बार को क्या कहते हैं? आइसो बार। आइसो बार का मीनिंग क्या है? इंग्लिश वाले क्या कहते हैं? लाइन ज्वाइनिंग द प्लेसेस ऑफ द इक्वल प्रेशर। लाइन, द लाइन ज्वाइनिंग द प्लेसेस ऑफ इक्वल प्रेशर, इट इज अ आइसो बार। तो पॉइंट ए बी सी डी अच्छे पॉइंट हैं, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी प्रेशर है, सबका प्रेशर सेम है, तो लाइन ऐसे जुड़ती है सीधा। दिस इज वन आइसो बार। सपोज आइसो बार ऑफ थाउजेंड, थाउजेंड क्या, थाउजेंड मिली बार, क्योंकि एटमोस्फेरिक प्रेशर को मेजर करने के लिए एक बहुत फेमस इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं, क्या? बैरोमीटर, एटमोस्फेरिक बैरोमीटर। बैरोमीटर जो यूनिट देता है वो यूनिट पैमाना क्या है उसका? मिली बार। तो मिली बार, थाउजेंड मिली बार, मिली बार क्लियर? Yes, it is a unit of the atmospheric pressure. ए बी सी डी सब जगह पे सेम प्रेशर था तो लाइन सीधी बना दी। हज़ार मिली बार का प्रेशर लाइन दिखा दिया। हर बार इतना आसान नहीं होता, थोड़ा मुश्किल करते हैं। हज़ार पे, ए पे हज़ार मिली बार था, लेकिन बी नाराज, ए वन, ए डैश नाराज है, बोला मैं तेरे जैसा नहीं रहूँगा। ए डैश पे एक हज़ार बीस मिली बार है, तो लाइन ए से ए डैश की तरफ जाएगी क्या? नहीं, लाइन ज्वाइनिंग द प्लेसेस ऑफ इक्वल प्रेशर चाहिए ना भाई। तो ये ए डैश से ऊपर यहाँ पे बी है, ये बोला मैं तेरा जोड़ीदार हूँ, मेरे पास हज़ार मिली बार ही है, तो ए की लाइन सीधी इधर जाएगी। ओके, यस सर। अब बी के बाद सी आपके मन में होगा, यहीं कहीं पड़ा होगा, यानी बी के बाद अब यहाँ पर आकर के हम देखें तो प्रेशर कुछ और था, तो बी से आगे हज़ार मिली बार की लाइन कहाँ जाएगी? ये यहाँ पे सी है, सी में हज़ार मिली बार, तो बी से सी लाइन इधर चली गई, और डी अचानक यहाँ पे आ गया और ये ऐसे घूम गई, हज़ार मिली बार अब यहाँ आई। बात समझ में? जी सर। तो जिधर जिधर सेम प्रेशर मिलेगा, चुप करके बिंदु जोड़ते जाना, तो सेम प्रेशर की लाइन क्या हो जाएंगी? मिली बार, आइसो बार। डन? यस सर। इतना समझ आ गया तो आप लोग अपनी किताब लिख सकते हो ज्योग्राफी की, मजाक नहीं कर रहा हूँ। एक कंसेप्ट समझो, एक लाइन है हज़ार मिली बार,
ये ड्रॉ कर दी, एक लाइन 980 मिली बार ये ड्रॉ कर दी, एक लाइन 960 मिली बार ये ड्रॉ कर दी, 940 मिली बार ड्रॉ, 920 मिली बार ड्रॉ, 900 मिली बार ड्रॉ, बड़ी दूर कर दी, पास करें, इक्वल डिस्टेंस नहीं है, ओके तो 1000 से 900 तक इतने डिस्टेंस में ही आ गए आप, कितनी सारी ब्रश आईसो बार्स आ गई है ना। यस सर, ये एक सिनेरियो था, मेरे को अच्छा नहीं लगा, मैंने एक नया सिनेरियो, एक लाइन है 1000 मिली बार, यहाँ भी 1000 980 मिली बार, ये सारा 1000 ही था, यहाँ जाके चेंज हुआ 980 मिली बार, तो यहाँ से यहाँ जाके प्रेशर वेरिएशन आया, यहाँ पे तो आया ही नहीं, यहाँ पे यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ प्रेशर वेरिएशन था ना, तो यहाँ पर आइसोबार्स स्पार्सली डिस्ट्रीब्यूटेड है, फैली हुई है, देयर इज अ स्पार्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द आइसोबार्स, आइसोबार्स आर नॉट क्लोजली स्पेस्ड, यस सर, सो वी कैन से दैट, बट फॉर दैट आई हैव टू डू समथिंग, अभी समझो, सपोज आप लोग ग्राउंड में जाते हैं फिसलन पट्टी, अब तो बड़े हो गए हो, बच्चों को देख लिया करो और पता लगे कल खुद ही जाके एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, वाटर पार्क में तो जाते हो, वहाँ पर ऊपर से पानी से ढकेला जाता है आपको, एक ऐसे आती है ऐसे, पहले नॉर्मल होती फिर एकदम गिरती, फिर नॉर्मल होती फिर गिरती, तो वो नॉर्मल वाली ये एकदम से गिरने वाली ये, बस इतनी कहानी थी, होते की बात क्या है, ए और बी के बीच में दोनों के पास 10-10 किलो का एयर का पैकेट था, किसी को किसी की जरूरत नहीं थी, सृष्टि ने सोचा, प्रकृति ने सोचा ऐसे समाज नहीं चले, प्रकृति में एक दूसरा एक दूसरे में निर्भर होना चाहिए, यूनिवर्स इसी कंसेप्ट पे चलता है, निर्भरता का सिद्धांत, सभी एक दूसरे के पूरक हैं, ओके yes, सभी एक दूसरे के क्या हैं, पूरक हैं, अरे पूरक का कोई हमारे अंकल नहीं है, पूरक मेरे एक कंसेप्ट है, जैसे आपने पूछ दिया ऐसा लगा जैसे कोई कॉलोनी का दोस्त है पूरक, ठीक है, थोड़ी देर में पूअर कहने लगोगे, एक वर्ड हमारी कंट्री में बड़ा फेमस है पूअर, चुनाव में यही हो रहा है ना, दबे कुचले लोग को उठाएंगे, इधर आओ, ए से बी के पास दोनों के पास 10-10 किलो पानी, 10-10 किलो हवा थी, किसी की जरूरत नहीं, सन आया, सन को गॉड ने कमांड दी बेटा जाके कुछ करो, सन ने एकदम से बी को गर्म कर दिया, और बी से 10 किलो जो हवा थी 5 किलो गर्म होके एक्सपैंड हो गई, जितने भी एयर मॉलिक्यूल्स थे गर्म हुए एक्सपैंड हुआ, अगर कोई चीज़ एक्सपैंड हो गई तो हल्की हो गई, डेंसिटी कम हो गया, क्योंकि डेंसिटी का फॉर्मूला है मास ओवर वॉल्यूम, एक्सपैंड हुई है कोई चीज़ तो वॉल्यूम बढ़ गया, वॉल्यूम बढ़ गया तो डेंसिटी कम हो गया, डेंसिटी का मतलब होता है घनत्व, मैंने सघनता वह कम हो गई तो चीज़ हल्की हो गई, हल्की हो गई तो ऊपर उड़ गई, ऊपर उड़ गई तो 10 किलो में से हवा रह गई 5 किलो, अब जैसे ही 5 किलो हवा रह गई इसने हाथ खोले, बोले आओ मेरे पास, तो एकदम से ये बोलेगा मेरे पास 10 किलो पूरी है मैं तेरे को देता हूँ, तो यहाँ से 5 किलो हवा बी के पास जाएगी, तो जैसे ही कहीं पर लो प्रेशर बना है ड्यू टू द रिसेप्शन ऑफ द इंसुलेशन देर इज़ अ एक्सपेंशन ऑफ द एयर मॉलिक्यूल्स, ड्यू टू द एक्सपेंशन ऑफ द एयर पैकेट देर इज़ अ डिक्रीमेंट इन द डेंसिटी, एंड इफ द डेंसिटी विल डिक्रीज देन देर विल बी इनवर्ड फ्लो ऑफ द एयर फ्रॉम द एडजॉइनिंग एरियाज, तो फिर ए की तरफ से 5 किलो का पैकेट वहाँ पे फिल करने के लिए आया, और जैसे ही ए की तरफ से 5 किलो का पैकेट फिल करने के लिए आया लोग खुश हो गए, बच्चे कहते मम्मी हवा में बाल उड़ रहे हैं, तो मम्मी ने कहा ये ने हवा बी को भेजी है, मैंने एयर विंड में बदल गई है, देर इज अ हॉरिजॉन्टल मूवमेंट, तो एयर विंड में बदली, ओके, लेकिन बच्चा कह रहा है मम्मी उड़ना मजा नहीं आ रहा, बाल उड़ रहे हैं बड़े धीरे धीरे जैसा फिल्मों में दिखाते हैं एकदम से उड़ने लग जाता है सब पूरा तेजी से, वैसा क्यों नहीं हो रहा जब सुपरमैन आता है, तो फिर मम्मी ने कहा वैसा इसलिए नहीं हो रहा है बेटा क्योंकि यहाँ पर जो दोनों के बीच में ज़रूरत है ना वो बड़ी कम है, लो प्रेशर बड़ा कम बना, हाई प्रेशर से लो प्रेशर बड़ा कम बना, तो ढलान बड़ी कम है, ग्रेडियंट बड़ा कम है, क्योंकि आइसोबार्स बहुत स्पार्सली प्लेस्ड हैं, कहाँ तक तो हजार ही हजार चल रहा था, हजार, तो यहाँ तक तो कोई एयर विंड फ्लो ही नहीं कर रही, यहाँ जा कर के 980 हुआ है तो अब जा कर के विंड फ्लो होनी है, आई बात समझ में, तो इसकी वजह से देर इज़ अ लो ग्रेडियंट
कौन सा प्रेशर ग्रेडियंट, ढलान कम है तो विंड की वेलोसिटी भी कम होगी, लेकिन इसका बिल्कुल उल्टा। व्हेन आइसोबार्स आर क्लोजली स्पेस्ड, व्हेन आइसोबार्स आर क्लोजली स्पेस्ड देयर इज अ रैपिड चेंज ऑफ द प्रेशर, व्हेन देयर इज अ रैपिड चेंज ऑफ द प्रेशर देयर इज अ रैपिड मूवमेंट ऑफ द विंड फ्रॉम द वन पॉइंट टू द अनदर। लुक देयर इज अ 1000 डिग्री डिफरेंस ऑफ द 1900, व्हेन देयर इज अ रैपिड मूवमेंट ऑफ द विंड देयर इज अ हाई वेलोसिटी ऑफ द विंड। The thing is, mostly spaced isobars are directly proportional to the high velocity of the wind. Sparsely spaced isobars are directly proportional to the low velocity of the wind. यहाँ पे हवा बड़ी तेज चलेगी। यहाँ पे 900 और 1000 के बीच का difference बहुत है, तो 1000 से हवा बहुत तेज इसको भरने जाएगी। और हवा कैसे चलेगी कि 30 ये isobars हैं। तो हवा किधर से किधर चलती है? 1000 से 900 की तरफ ना? Yes, sir. हवा ऐसे चली ना? Yes, sir. है ना? चलो इसको समझे। गोला, गोले के सेंटर में ए में प्रेशर कम लेकिन पेरिफेरी पे प्रेशर ज़्यादा, तो एकदम से ये जितनी भी आइसोबार्स हैं ये सारी आइसोबार्स हैं ना, तो एकदम से गोलों से पेरिफेरी से सेंटर की तरफ हवा मूव करेगी, करेगी ना? Yes, तो विंड डायरेक्शन इज परपेंडिकुलर टू द आइसोबार, क्लियर हो गया? विंड डायरेक्शन इज परपेंडिकुलर टू द आइसोबार। एनसीईआरटी ने दो लाइनों में खत्म कर दिया सारा खेला, मैंने कितना लंबा कर दिया, मुझे पता भी आप इतने इंटेलिजेंट हो, दो लाइनें पढ़ के समझ जाना था, फिर मैंने इतना खेल क्यों रचाया। व्हेन आई नो योर इंटेलिजेंस लेवल स्टिल आई एम डूइंग सच काइंड ऑफ एक्टिविटीज, आई एम एग्जैजरेटिंग द थिंग्स, आई एम स्ट्रेचिंग द आइटम्स, एंड यू आर यूपीएससी एस्पिरेंट, वो कितने कम समय में सब कर रहा है ना? सही बात है कि गलत है? सही बात है, ऐसे ही करना है, ये हमारी तानाशाही है। ओके, तो आइसोबार से परपेंडिकुलर होती है विंड डायरेक्शन, क्यों समझाया? अभी समझ आएगा, इतना क्लियर? यस, आइसोबार से परपेंडिकुलर है विंड डायरेक्शन। अब मैं कह रहा हूँ साइक्लोन बनेगा, साइक्लोन कैसे बनेगा? साइक्लोन तो बन ही नहीं सकता है भाई, अभी आप गैस कर लोगे तो फिर मेरा क्या फायदा, अभी आप नहीं गैस कर सकते इन ऑर्डर एट ऑल। चलो पहले कितने सारे आइसोबार बनाए, थोड़े ज्यादा बना देते हैं, पूरा मजा है। अब यहाँ पे लो प्रेशर बना, पेरिफेरी से सेंटर की तरफ विंड आई और विंड ने आके सेंटर को फिल कर दिया, ये लो मैंने इनको आगे तक बढ़ा दिया, लो चलो लो खत्म, लो प्रेशर एंड हो गया, चलो जी केला खत्म, साइक्लोन बना ही नहीं। देर विल बी नो साइक्लोन, देर विल बी आई टी सीजेड 30 डिग्री नॉर्थ से 30 डिग्री साउथ से ट्रेड विंड्स आई, इक्वेटर पे टक, देखा क्या हुआ, क्यों दोनों बहनों ने बोला क्या व्हाट हैपेंड, बोले इक्वेटर पे हवा ऊपर उठ रही है, बोले चलो फिल कर देते, आए फिल किए, आए टकराए ऊपर गए, ऊपर गए तो रेनफॉल कर दिया, कौन सा? कन्वेक्टिव, कन्वेक्टिव साइक्लोन नहीं, रेनफॉल नहीं, कन्वेक्टिव, आओ ऊपर चले। लेकिन जैसे ही इक्वेटर से नॉर्थवर्ड आए, आने ही वाले थे सेंटर की तरफ, पहले ही किसी ने घुमा दिया, फिल कर ही देते लेकिन पहले ही किसी ने घुमा दिया, बोले रुको अभी हम भी हैं, वो कौन है? तो विंड डायरेक्शन इज परपेंडिकुलर टू द आइसोबार, यस सर, and you know there is a rotation of the earth from west to east, if there is a rotation of the earth then there is an effect of the rotation of the earth, that is Coriolis effect, Coriolis effect, aur Coriolis effect kya hota hai, northern hemisphere mein towards the right, southern hemisphere mein towards the left, kisi bhi move kar rahi hawa mein chal rahi cheez ke upar ye effect lagta hai, so wind direction is perpendicular to the isobar, then Coriolis force is always perpendicular to the wind direction, वो यहाँ से लगेगी ना विंड को। अब सारा टेबल चार्ट समझ में आ गया, ये आइसोबार्स हैं, विंड इसके परपेंडिकुलर है, ये विंड है कोरियोलिस फोर्स इसके परपेंडिकुलर है, तो गोला वापस बनाते हैं, ये लो प्रेशर है और यहाँ से आकर के विंड इसको फिल करेगी, यहाँ से विंड गई तो ये किधर करेगी टर्न, टुवर्ड्स द राइट, टुवर्ड्स द राइट, ये भी टुवर्ड्स राइट,
टूवर्ड्स राइट, अब ये उधर से आ रही है, उधर से आ रही है, तो टूवर्ड्स राइट, टूवर्ड्स राइट, टूवर्ड्स राइट। देर इज एंटी क्लॉक, एंटी क्लॉक वाइज रोटेशन, तो सेंटर कभी फिल ही नहीं होगा, वॉशिंग मशीन की तरह घुमाता रहेगा, जिसकी वजह से साइक्लोन बनता है, चक्रवात। ITCZ नहीं बनेगा, चक्रवात बनेगा। ओके, आज एक नया कारण पता चल गया कि कोरोलिस फोर्स ना होती तो लो प्रेशर तो होता, कन्वर्जेंस ऑफ द विंड्स भी होता, बट वो लो प्रेशर को फिल कर देती, तो चक्रा कहाँ से मिलता? चक्री तभी मिली जब लो प्रेशर को फील्ड करने जाने जा रही उन हवाओं के कान पकड़ के किसी ने घुमा दिए, और घुमाने वाली फोर्स कौन सी थी? कोरियोलिस, जो मिलती है इक्वेटर से 5 डिग्री नॉर्थ, इक्वेटर से 5 डिग्री साउथ। तो यही कारण है कि ड्यू टू इंटेंसिव कन्वर्जेंस ऑफ द विंड्स ऑन द इक्वेटर देयर विल बी नो साइक्लोन, बिकॉज देयर इज नो कोरियोलिस फोर्स। तो साइक्लोन बनने के लिए दूसरी प्री रिक्विजिट कंडीशन क्या है? कोरियोलिस फोर्स। क्लियर? आज के बाद कोई समस्या, कोई दिक्कत तो नहीं? सब पानी की तरह क्लियर है? Yes, क्या बात, आपको पढ़ाने का मजा बहुत आता है, आपको पढ़ने का मजा नहीं कितना आता है, फिर पढ़ाने का बड़ा आता है। हम थोड़ी कोरोलिस फोर्स के बारे में जानकारी ले लेते हैं। सबसे पहली जानकारी, कोरोलिस फोर्स कितनी किस पे लगती है? जितनी तेज हवा उतनी तेज कोरोलिस फोर्स। क्यों? क्रिकेट खेले हो, उसमें जितनी फास्ट बॉल आती है उसको उतनी तेज कट लग के चौका लगता है ना। अब मैंने ऐसे बॉल खिलाई, आप बैट्समैन, आपके कट बड़े अच्छे मैंने सुना, अब मैंने ऐसे बॉल फेंकी, अब लगा लो जिन्हें कट लगाने हैं 10 फुट पे जाके बहुत रुक जाएगी, लेकिन उधर से शोएब अख्तर की बॉलिंग है, जितना तेज बॉल हल्का सा कट छक्का, क्योंकि जितनी तेज विंड उतना ही जबरदस्त ड्रिफ्ट, उतना ही जबरदस्त टकराव, तो कोरोलिस इफेक्ट उतना ही ज़्यादा होता है जितनी तेज विंड होती है। विंड क्यों ज़्यादा तेज होती है? जितना ज़्यादा हाई प्रेशर से लो प्रेशर का डिफरेंस होगा उतना ज़्यादा प्रेशर ग्रेडियंट, जितना ज़्यादा प्रेशर ग्रेडियंट उतनी तेज विंड वेलोसिटी, और उतनी तेज कोरियोलिस, तो जितनी तेज कोरियोलिस उतनी तेज चक्री, तो जितनी तेज चक्री उतना तगड़ा साइक्लोन। ओके, क्लियर? यस सर। ये पहला कारण। दूसरा, कोरोलिस फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना होता है? इंग्लिश की लाइन में फिर से, इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एंगल ऑफ द लैटिट्यूड। कितने ही महीने लग जाते समझने, फिर यूट्यूब पे निकाल के एनिमेटेड वर्जन देखते 2 मिनट वाला, कि जल्दी से समझ आ जाए, तो सिंपल वाला देख लेंगे, पर हम सिंपल में समझा देते हैं, सबको यूट्यूब पे थोड़ी ना आया, जब 2006-07 के पहले यूट्यूब नहीं था, कुछ नहीं था, तब भी अध्यापक स्कूल कॉलेज में पढ़ाते थे, तब भी बच्चे पढ़ते थे, और हैरानी की बात आपको बता दूँ, ये सारी थ्योरीज तो 17th-18th century से निकली हुई है, तब तो कुछ भी नहीं था। जी जी कोरियोलिस के पास फ्रांस में बैठे हुए कोई यूट्यूब नहीं था, तब भी उन्होंने बता दिया था कि कोरियोलिस फोर्स, तो उसे समझने के लिए जी इतनी इज्जत तो बख्शें कि उन्हें समझने के लिए समय दें। तो कोरियोलिस फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एंगल ऑफ द लैटिट्यूड, का मतलब लैटिट्यूड कैसे बनाते हैं? अर्थ को एक तरबूज समझ के उसका बीच से हिस्सा एक निकालते हैं, तो उसका सेंटर से हम एंगल देना शुरू करते हैं, 0 डिग्री पे अभी 1, 2, 3, 4 इन एंगल्स के हिसाब से हम सर्कल बना देते हैं ना, पहले 1 डिग्री पे सर्कल, 2, 3 तो जितना इसका एंगल उतनी कोरोलिस फोर्स, तो 90 डिग्री मैक्सिमम एंगल, तो मैक्सिमम कोरोलिस फोर्स कहाँ होती है? पोल, और इक्वेटर 0 डिग्री, तो मिनिमम कोरोलिस फोर्स कहाँ होती है? That's it. इसका एक और लॉजिक बता सकता हूँ, अगर आप चकराओ ना तो पूछो कि सर भाई इक्वेटर पे जीरो, तो कोरोलिस फोर्स इज अ काइंड ऑफ स्यूडो फोर्स, इट इज अ इफेक्ट ऑफ द रोटेशन ऑफ द अर्थ, इट इज अ काइंड ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो इक्वेटर पे क्या होता है कि इक्वेटर पे एज है, बल्ज है, तो जब अर्थ रोटेट कर रही है वहां से जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है बाहर वो निकल जा रहा है, और उसके ऊपर जितना भी है वो वहां से निकल के इक्वेटर वर्ड जा रहा है, तो रस्ते में हवाओं को लग रहा है। आई बात समझ में? क्लियर सा कंसेप्ट था, छोड़ दो इसको, पहले वाला समझ आ गया, बहुत है, इतना भी किसी को इमेजिन हो गया तो बहुत है, पीछे देखो
ठीक है, इतना क्लियर जो पीछे बढ़ा उसको देखो, आगे वाले को नहीं, इतना क्लियर। आगे बढ़े, कोरोलिस फोर्स का कंसेप्ट क्लियर, 27 डिग्री टेम्परेचर होना चाहिए ओशन पे क्लियर, वेस्टर्न मार्जिन पे क्यों होता है क्लियर, क्यों इक्वेटर में नहीं होता है क्लियर, सेंटर कैसे बन जाता है, सेंटर फेल क्यों नहीं होता क्लियर, ITC से इक्वेटर पे साइक्लोन ना होके कन्वेक्टिव रेनफॉल होती है क्लियर। अब पहले वाली बात पे आते हैं कि हॉरिजॉन्टल विंड मूवमेंट, मैंने आपको एक बात समझाई कि प्रेशर डिफरेंस की वजह से विंड चलती है, तो आपको एक बात भी सवाल पूछ सकता है कि प्रेशर डिफरेंस सिर्फ हॉरिजॉन्टल एक्स एक्सिस पे होता है क्या, वाई एक्सिस पे नहीं होता वर्टिकल? अरे कई गुना ज़्यादा होता है, मैं कह रहा हूँ मतलब एक्स एक्सिस पे तो आप 1900 तक गए तो इतने ज़बरदस्त तूफान आ गए, साइक्लोन आ गए, बर्बादियाँ हो गई। वाई एक्सिस पे हम जब प्रेशर ग्रेडियंट को मैनेज करते हैं तो पता क्या करते हैं, हमने ओशियन लेवल पर प्रेशर ग्रेडियंट काउंट कर रखा है, दैट इज़ 1030.2 मिलीबार। कितना होता है? 1013.2 मिलीबार। हर 10 मीटर की ऊंचाई पर जाने पर हम ऐसा कहते हैं कि लगभग 1 मिलीबार प्रेशर गिर जाता है। लगभग जब हम 10,000 मीटर की ऊंचाई पर चले जाते हैं तो मिलीबार्स में प्रेशर ऑलमोस्ट 250-300 मिलीबार रह जाता है। तो सी सरफेस से 10,000 मीटर के ऊपर ऊंचाई पर जाने पे 1013 से मात्र 250 मिलीबार रह गया, लुक एट द डिफरेंस ऑफ द प्रेशर। तो हाई प्रेशर टू लो प्रेशर हवा क्यों नहीं चलती फिर, हमारे कपड़े बाल गाड़ी सब हवा में ऊपर क्यों नहीं उड़ रही, वर्टिकल मूवमेंट ऑफ द विंड क्यों नहीं हो रहा, बिकॉज देर इज इक्वल एंड ऑपोजिट ग्रेविटी ऑल्सो, देर इज इक्वल एंड ऑपोजिट ग्रेविटी कॉलम ऑल्सो, दैट्स वाई देर इज नो अपवर्ड मूवमेंट ऑफ द विंड, दिस इज द आंसर। अदरवाइज इफ यू आर एनकाउंटरिंग द क्वेश्चन देर इज अ ड्रेस्टिक प्रेशर डिफरेंस इन द अपवर्ड डायरेक्शन देन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, बट स्टिल देर इज नो अपवर्ड मूवमेंट ऑफ द विंड due to the equal and opposite column of the gravity which is equalizing the pressure gradient difference, okay? So vertical wind ka movement nahi hai, that's why jo movement hai wo kaun sa hai, advectional, isliye in wind ko hum kaun si wind kehte hain, advectional winds, isliye jo loo chalti hai kaun si hai, advectional wind, bas ho gaye, yes sir, done, enjoying, kya baat hai, lecture dikhao university walon ko, apne school wale walon ko ज्वाइन ना करने देना और इन्जॉय करो। पहले दोनों रीज़न क्लियर, रीज़न मिटा भी दिए, देखो कोई भी आदमी बोलेगा सर आपने रीज़न लिखे और फिर मिटा दिए, ऐसा क्यों किया, ऐसा कोई भी बोलेगा? अब देखो हम क्या बोलेंगे आगे सर, हम बोलेंगे इसको इसलिए मिटाया आप अपनी स्मरण शक्ति को बढ़ाइए, स्मरण शक्ति को बढ़ाइए, रट्टे में नहीं ना रखें, क्योंकि हम भी देख के थोड़ी ना करा रहे, लॉजिक से करा रहे। अगला कंसेप्ट कौन सा है, आइए समझे, तीसरा पॉइंट, पहले दो स्मरण में है ना, यस सर, नहीं लिखने की जरूरत ना, तीसरा लिखते हैं, तीसरा, देयर शुड बी एम्पल अमाउंट ऑफ द ह्यूमिडिटी, ह्यूमिडिटी नहीं होगी तो काम कहाँ से बनेगा, और ह्यूमिडिटी कितनी होनी चाहिए, ऑन एन एवरेज 60%, और ये ह्यूमिडिटी कहाँ हो सकती है, ओशंस एंड सीज, ह्यूमिडिटी क्या होती है, शहर, बड़ी आसान सी बात है, इस खाली बोतल में कितना पानी है, वो तो हो गया ओशियन, वो बोलोगे ह्यूमिडिटी कैसी होती है, ये सपोज करो ये एयर है, और एयर ऐसी नहीं होती जैसी हम सोचते हैं, एयर में गैस होती है, एयर में डस्ट पार्टिकल होते हैं, एयर में एरोसोल होते हैं, और इसी में छुपा रहता है मॉइस्चर, ये एयर इस समय जीरो मॉइस्चर, राजस्थानी हवाएं, लूएं, जो लू चलती दोपहर को, इसलिए बड़ा मज़ा आएगा अगर उसके आगे कूलर रख दो, तो दोपहर को जब हवेली में जाते हैं, हवेली होटल, तो कूलर रखे होते हैं, वही लू ठंडी लगने लग जाती है, क्यों, पीछे से हवा आई कूलर के अंदर घुसी, कूलर ने उस हवा के पैकेट में थोड़े से मॉइस्चर डाल दिए, वही ठंडी हो गई, हमारे शरीर को लगी, हम खुश हो गए, इतनी सी बात है ना। तो ये एयर अभी मॉइस्चर विहीन है, मैंने नीचे से इसको थोड़े से मॉइस्चर दे दिए, अब इसमें थोड़ा थोड़ा मॉइस्चर आ गया, ओके, और ये पता क्या है, ये स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी, जैसे इंग्लिश में कहते हैं स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी, तो इट इज अ स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी, ओके। तो कुल मिलाकर के एक पर्टिकुलर एयर पैकेट में
जितना उसके एयर के अंदर जो जो कंटेंट है, जैसे एयर, सोल, अदर पार्टिकल, गैसेस, उसमें मॉइस्चर कितना है, मॉइस्चर मैंने द एवेपोरेटेड वाटर आफ्टर गेनिंग द हीट। तो पानी का एक कण सूर्य से मिले ताप से ऊर्जा लेकर के ही वाष्प बनता है, यानी कि सन से मिली इंसुलेशन को अपने अंदर लेने के बाद ही हीटअप होकर के वो इवेपोरेटेड मटेरियल बनता है। मतलब अपनी जेब में हीट डाल के बैठा है, जेब में हीट डाल के बैठा है, ये लाइन याद रखना। ये छुपी हुई हीट जब मैं निकालूंगा ना, वही साइक्लोन को चलाएगी। इसको कहते हैं लेटेंट हीट, छुपी हुई हीट, द हिडन हीट, इट इज़ द हीट इंजन। ओके, तो ये लेटेंट हीट ले लेकर के ये मॉइस्चर बैठे हैं। अब 27 डिग्री सेल्सियस का सरफेस वाला ओशियन भी है, कोरियोलिस फोर्स भी बड़ी है, प्रेशर ग्रेडियंट भी बड़ा है, कोई साइक्लोन नहीं बन रहा, बस बुल्ले बामरोले बन रहे हैं, क्रिकेट खेल रहे हैं, लफाफे गोल गोल घूम रहे हैं, हम भी घूम रहे हैं, लेकिन साइक्लोन वाइक्लोन कुछ नहीं, ना बारिश हो रही कुछ, बस रेत के बाबर। पता क्यों? ह्यूमिडिटी नहीं। आगे आने वाले चैप्टर में वो भी तो पढ़ाना है ना, टोरनेडो, टोरनेडो ट्विस्टर, बुल्ला बामरोला, तो वो उसमें ह्यूमिडिटी नहीं थी। लेकिन अभी आपको क्या, आप मुझे कह रहे हैं सर मुझे अच्छी लग रही है कैसे रेत के भंवर, मैं थोड़ी ह्यूमिडिटी डाल दूंगा बादल बन के बरखा बना दें, तो बन जाएंगे साइक्लोन आने वाले समय में। तो ह्यूमिडिटी इज़ द प्री रिक्विजिट कंडीशन, इसीलिए तो बोला कि ट्रॉपिकल रीजन में ओशियंस चाहिए, लैंड नहीं। ट्रॉपिकल रीजन में क्या चाहिए? ओशियंस, लैंड नहीं। लैंड में इतनी ह्यूमिडिटी नहीं मिलती नहीं, इसलिए लैंड पे आते डिसिपेट हो जाते, लैंड पे आते ख़त्म हो जाते, इसलिए 100 किलोमीटर से अंदर नहीं जा पाते, इसलिए कोस्टल एरिया को प्रभावित कर रहे हैं। लेकिन टेम्परेट साइक्लोन इससे अलग हैं, वो तो मेडिट्रेनियन में बने थे और इंडिया तक आ गए थे, वो अलग थे ना। यस सर, उनका भी फर्क समझाएं। इतना समझ आया? यस सर। तो इतनी ह्यूमिडिटी कहाँ मिल सकती है? ओशियंस, कौन से? ट्रॉपिकल। मजा आ गया। अगला कारण, जीरो विंड शीयर, मिनिमम विंड शीयर या मिनिमलिस्टिक विंड शीयर। कितना टिपिकल वर्ड लगा सुनने में, लगा कि ये तो साइंस का सब्जेक्ट है ज्योग्राफी, और आईएएस में मैं ये सब करूँ। वर्ड डिफिकल्ट होते हैं, जैसे आपके नाम डिफिकल्ट होते हैं, आसान तो कुछ भी नहीं, आसान उसे अप्रोच करने का तरीका हो सकता है तो ज़िंदगी आसान हो जाती है। तो मिनिमम विंड शीयर, ये आज सारे फैक्टर जो आपको मजाक मजाक में बता दिए, यही गले का फंदा बने रहते हैं जब हमें ट्रॉपिकल साइक्लोन सॉल्व करना होता है। यही समझ नहीं आता कि ऑप्शन ए करेक्ट है या ऑप्शन बी। लॉजिकली आज समझ जाएंगे तो ज़िंदगी में कभी दिक्कत नहीं आएगी। चौथा कारण, अक्षर, मिनिमम विंड शीयर। क्या होता है ये? कुछ नहीं होता है, कोई भी विंड फ्लो कर रही है उसकी एक डायरेक्शन होगी, ये ये ये, उसकी डायरेक्शन के पर्टिकुलर, उसकी डायरेक्शन के पर्टिकुलर सॉरी परपेंडिकुलर जो विंड है, जो विंड है उसकी वेलोसिटी क्या है। चुप। साइक्लोन, सी सरफेस, हवा आई, गर्मी मिली, एक्सपेंड हुई, अपवर्ड मूव, ये जा रही है। yes, sir. यहाँ पे अपर एयर में इस तरह से हवा बह रही है, हॉरिजॉन्टल, ये वर्टिकल, वो हॉरिजॉन्टल। तो इस वर्टिकल फ्लो करती हवा के, ये तो परपेंडिकुलर ही हुई ना। yes, sir. तो इसकी वेलोसिटी क्या है? दिस इज विंड शीयर। सिंपलेस्ट, देख लेना डेफिनेशन, यही बनेगी हिंदी वाली इंग्लिश में। इसका क्या लॉजिक था? मैंने ये क्यों बताया? इसका लॉजिक ये था कि जब आप ट्रॉपिकल जब आप ट्रॉपिकल साइक्लोन की बात करते हैं तो आपको सरफेस से ट्रोपोपॉज तक का, ट्रोपोस्फेयर की अपर लिमिट, ट्रोपोपॉज लगभग 12 से 13 किलोमीटर फ्रॉम द सरफेस, इट इज़ अ ट्रोपोस्फेयर। तो आपको सरफेस से ट्रोपोस्फेयर तक लगभग एक कनेक्टेड कॉलम ऑफ द एयर चाहिए, इसको कहते हैं द कंप्लीट वॉर्टेक्स। 1500 मीटर के ऊपर जाकर के कंडेंसेशन होना था, उस कंडेंसेशन से जो हीट रिलीज होनी थी उसने वहाँ के एयर मास को और ऊपर थ्रस्ट करना था, और कंडेंसेशन होना था, बादल मोटा ही होते जाना था, होने ही नहीं दिया। विंड बड़ी खुश हुई, बड़ी चिल्लाई, कहती 27 डिग्री पे बनी हूँ मैं,
60% ह्यूमिडिटी लेके आई हूँ जेब में, कोरोलिस फोर्स भी पूरी मिली थी, प्रेशर ग्रेडियंट भी बढ़ा था, बड़ी गुमान में है कि अब तो मुझे कोई रोक नहीं सकता। कहते चल तू चढ़ ऊपर की तरफ, 1000 मीटर पे चढ़ रही है, 1200 मीटर पे जा रही है, इधर से वेस्टर्ली आ गई, खत्म खत्म, जिंदगी ना रखो। वो बन गया साइक्लोन, नहीं बना, बिकॉज विंड शीयर इज वेरी हाई, ये वर्टिकल मूवमेंट कर रही थी, इसके परपेंडिकुलर चलने वाली हवा बड़ी तेज थी, इसे ऐसे ही पकड़ के ले गई, चली ये क्या हुआ मेरे साथ, मेरा कंडेंसेशन तो हुआ ही नहीं, बादल तो बने ही नहीं, मैंने हीट रिलीज तो की नहीं, उसकी वजह से वहाँ पे खड़े वाटर कॉलम एयर कॉलम को मैंने और गर्म तो किया ही नहीं, वो और ऊपर तो उठा ही नहीं, तो उसने और नीचे से एयर की डिमांड की ही नहीं, नीचे से और एयर की डिमांड की ही नहीं, तो नया मॉइस्चर आया ही नहीं, नया मॉइस्चर आया ही नहीं, तो मेरा सर्कुलेशन फास्ट तो हुआ ही नहीं, सर्कुलेशन फास्ट तो हुआ ही नहीं, तो मैं तो साइक्लोन तो मैं बनी ही नहीं। कहते तेरे पास सब कुछ था लेकिन विंड शीयर बहुत ज़्यादा था। ओके, यही कारण है, यही कारण है, अगर आप वहाँ जाते हैं तो फिर आपसे पूछ ले कि सब बता दिया, अच्छा तो ये बता मेरे को 30 डिग्री लेटीट्यूड के ऊपर क्यों नहीं जाते ये साइक्लोन। 30 डिग्री लेटीट्यूड के ऊपर बेटा अभी बताया है, अपर एयर ट्रोपोस्फेरिक वेस्टर्लियाँ उड़ती हैं ऐसे झहझहाँ के, और जैसे ही ये 30 डिग्री के ऊपर जाने लगते हैं साइक्लोन, इन्हें अपर एयर ट्रोपोस्फेरिक वेस्टर्लियाँ पकड़ लेती हैं और इनके वॉर्टेक्स को आधा काट के ख़त्म कर देती हैं और ये एंड हो जाते हैं। ओके, दिस इज द रीजन, दैट वाज द कांसेप्ट ऑफ द विंड शीयर। ठीक है, बीच बीच में हमारे अंदर क्रिकेट कमेंटेटर भी आ जाते हैं, अब मुझे खुद पता तो भूल गया मैं कौन सा रीज़न देने जाऊँ, तो मैं हैशटैग जानने आता हूँ। ओके, मुझे पता नहीं है रीज़न पाँचवा या छःवा, इट इज़ अ स्पॉन्टेनियस गेम्स। तो अब ये अगला कारण क्या है, देयर शुड बी अपर एयर एटमोस्फेरिक एंटी साइक्लोन्स। सुनने में कितना डिफिकल्ट लगा ना, देयर शुड बी अपर स्फेरिक अपर एटमोस्फेरिक एटमोस्फेरिक एंटी साइक्लोनिक कंडीशन। चलो इसको सिंपल कर देते हैं, ये सब बातें जब आपको जिंदगी में अंदरूनी तौर पर आ जाएंगी तो आपको इंग्लिश में भी लर्न हो जाएंगे, लेकिन हमारा पंगा पता क्या कैरियों का, हम उसे इंग्लिश में लर्न करके समझते हैं। क्या हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए, उसे पहले समझ लो, इंग्लिश में अपने आप ही लर्न हो जाएगी। पहले लर्न करते हैं, देयर शुड बी अपर एयर एटमोस्फेरिक एंटी साइक्लोनिक कंडीशन, देयर शुड बी डाइवर्जेंस ऑफ द एयर। कितने दिन तक याद रखोगे यार, इसको समझ लो, पहले समझ लो, याद हो जाएगा। आओ समझाते हैं, अब ये विंड आ रही है कि नहीं? Yes, sir. अगर नहीं आ रही तो बताओ लेक्चर खत्म करें, आ रही है तो बताओ लेक्चर कंटिन्यू करें, वरना खत्म करें घर चलते हैं, बाहर बहुत बारिश हो रही है। ये विंड आ रही है, कोरियोलिस लग गई, मिलने नहीं दिया मैंने इनको आपस में, मिलन नहीं हुआ ना, तो इसकी वजह से ये इधर को घूमेगी, ये उधर को ना, तो मैं इतना घुमाना नहीं जानता, मेरी पेंटिंग कमजोर है, लेक्चर के पहले मैं पेंटिंग करता हूँ, वो देख लो मेरी पेंटिंग में जब है तो मेरी लेक्चर के पहले की पेंटिंग, लेक्चर के दौरान मैं सिर्फ काम की बात करता हूँ। तो इसको मैं ऐसे ऊपर उठाऊँ, ये ऊपर उठ गई, यस, ये आई कन्वर्ज हुई, सर्कुलेटरी मोशन में ऊपर उठ गई, आखिर एक समय तो ऊपर जाके आएगा ना जब ये बिखरेगी, ऊपर गई और बिखर गई तो जब हवाएं कन्वर्ज करती नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में तो एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट करती, तो यहाँ पर मूवमेंट हुई, कन्वर्जेंस हुआ, तो ये क्या बनते हैं, साइक्लोन्स। तो ये साइक्लोनिक कंडीशन है, क्योंकि जब हवा अपवर्ड मूव करती है तो साइक्लोनिक कंडीशन, कन्वर्जेंस, ऊपर जाने के बाद यहाँ पे क्या हुआ, डाइवर्जेंस। तो जहाँ कन्वर्जेंस है वहाँ साइक्लोन, ऊपर क्या हुआ, डाइवर्जेंस, तो यहाँ पर क्या हुआ, एंटी एंटी साइक्लोन्स। अगर कहीं यहाँ भी साइक्लोन बन जाता तो नीचे से ऊपर ये जाती कहाँ से, ऊपर साइक्लोन बना है वो तो नीचे को थ्रस्ट करता ना मेरे बच्चे, ऊपर साइक्लोन अगर बना है तो पेच ऐसे ऐसे घुमाओगे तो पेच नीचे आएगा, तो वो नीचे को थ्रस्ट करता, नीचे की हवा अपवर्ड मूव ही नहीं कर पाती तो फिर वॉर्टेक्स कहाँ से बनता। तो हमें ऑलवेज अपर एयर में एंटी साइक्लोन चाहिए, जो कि नॉर्मली होता है, नॉर्मली होता है, नीचे की हवा ऊपर जाके डाइवर्ज होगी, इतना क्लियर। अब ये यहाँ गई, यहाँ पर भी यहाँ से कहीं से हवा आ रही होगी, आ गई, यहाँ पे अपर एयर में दोनों कन्वर्ज हुई, तो अब यहाँ पे क्या बन गया, कन्वर्जेंस, तो यहाँ पे क्या हो गया, साइक्लोन डन। अब ये नीचे गिरी, डिसेंड, डिसेंड होने के बाद
सरफेस पे गिर के या क्या होगी, डाइवर्ट। तो ये डाइवर्ट हुई तभी तो इसको हवा मिल रही है साइक्लोन को, ये डाइवर्जेंस। तो ये क्या हो गया, एंटी साइक्लोन। मैं कौन सी स्क्रिप्ट लिख रहा हूँ भगवान जाने। इफ देयर इज अ डाइवर्जेंस ऑन द सरफेस दिस इज एंटी साइक्लोन, देयर इज साइक्लोन इन द अपर एयर एटमोसफेयर। There is a convergence in the wind, there is a cyclone on the surface, there is anti-cyclone on the upper air surface. जब upper air में cyclone बना तो descent of the wind हुआ, जब surface पे cyclone बना तो ascent of the wind हुआ। जब upper air में anti-cyclone बना तो उसने suck किया, क्योंकि वो diversion कर रहा है, और जितना ज़्यादा suck होगा कुएँ से बाल्टियाँ पानी उतनी निकलेंगी। जितना ज़्यादा ऊपर खड़ा वो suck करेगा anti-cyclone, समुद्र की सारी evaporated material उतना ऊपर चढ़ेगा और उतने ही भव्य बादलों का निर्माण होगा। कुमोलो निम्बस क्लाउड, वर्षा वाले बादल, थंडर वाले बादल, लाइटनिंग वाले बादल। ओके, तो साइक्लोन में कौन से बादल होते हैं, कुमोलो निम्बस। इनकी पेरिफेरी में कौन से होते हैं, निम्बोस्ट्रेटस। इनके पीछे पीछे कुमोलस। और इनके आने का पता कैसे लगता है, जब दूर बादलों की छटा छा जाए, कौन सी, साइरोस्ट्रेटस। कितने बादल बता दिए। अगर आप यहाँ बैठे बैठे अपने छोटे भाई बहनों को बताना चाहते हैं कि तूफान आने वाला है तो कैसे बताएंगे, साइरोस्ट्रेटस क्लाउड छा जाएंगे। द थिन लेयर ऑफ द बादल, जो सूर्य को और चंद्रमा के आगे एक हेलोजन सी बना देते हैं, जो उन्हें ढक सा देते हैं, जो पेंटरों का आकर्षण रहते हैं। पेंटर वही वाले क्लाउड दिखाते हैं ना हमेशा, जिसके पीछे चंद्र दबा दबा सा है, सिर्फ रोशनी रोशनी सी है। उसके बाद क्या आ जाएंगे, घने काले बादल, जो क्या करेंगे, थंडर लाइटनिंग। फिर आप भी डर जाओगे, बताने लगे किसी को रहोगे, तो वो होगा साइक्लोन। इतना क्लियर। अपर एयर एंटी साइक्लोनिक कंडीशन चाहिए मेरे को, देते हो तो मैं साइक्लोन बनाता हूँ, वरना नहीं। yes, sir, दिया तो ओके। कोरोलिस फोर्स भी थी, 27 डिग्री सेल्सियस भी था, ह्यूमिडिटी भी थी, प्रेशर ग्रेडियंट भी था, लेकिन अपर एयर में स्ट्रॉन्ग साइक्लोनिक कंडीशन बन रही थी, तब भी साइक्लोन नहीं बने। साइक्लोन का मजाकिया चीज़ नहीं, बनने बड़ा समय लेते हैं, और हर साल भारत में 2 से 4 आते हैं। ओके, ओ माय गॉड, कुल मिलाकर के काफ़ी सारे रीज़न आप समझ गए। अब आता है वो जो उसको हम कहते हैं बीज, उसको हम क्या कहते हैं, सीडिंग ऑफ द साइक्लोन्स। तो ये बनते कैसे, अब देखिए टेम्परेट रीजन में होते तो कोई दिक्कत नहीं होती। अगर मैं साइंटिस्ट होता यूरोप का और मैं आपको पढ़ा रहा होता, लेक्चरर होता, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं थी। मैं एक मिनट में बता सकता था कि टेम्परेट साइक्लोन कैसे बनता है। भाई पता है क्यों, अमनदीप सिंह दूर, कारण क्या है, एक कारण ये है, इधर सुनो, ये गोला तो आप जानते हो जिस पे आप रहते हो, इसे क्या कहते हैं, एक नया मिला है नासा वाला, वो और अभी 2-3 दिन पहले, वो भी बिल्कुल अर्थ जितने साइज का ही है, वहाँ जाने के रहा था तो नहीं, चलो मैं यहीं पर पूछ रहा हूँ। ये गोले में यहाँ पे क्या है, इक्वेटर, और यहाँ पे क्या है, 30 डिग्री। थोड़े न्यू लिसनर्स के लिए थोड़ा प्यार से बताऊँ, सिंपल सी बात है न्यू लिसनर्स, यहाँ पर क्या रहता है, सन की हीट बढ़ी रहती, हवा ऊपर उठती। इसके लिए मुझे ना एक और मार्कर चाहिए। कितने कम समय में आज कितना करा दिया ना, और आज कितना मजाक किया, क्योंकि देखो अब दो ही तरह से लेक्चर दिया जा सकता है, या तो आप लेक्चर डिलीवर करें या लेक्चर आपको डिलीवर करें, और मेरा मानना है कि लेक्चर आपको डिलीवर करे वो ज़्यादा बेटर है ना। एक ही चीज़ रूल कर सकती है, या आप या लेक्चर, लेक्चर रूल करे तो अच्छा। चलिए अब यहाँ से हमारे गर्म हुई, शहर उड़ाए ने ऊपर उड़ी, एक जगह पे जाकर दम टूटता है, टूट गया बिखर गई। अब ऊपर तो नहीं जा सकती, लेकिन ऐसे ऐसे तो जा ही सकती, यहाँ जाके बाकी दम भी टूट गए, थक गई, अब कुर्सी पे गिरेंगी, आगे बेड पे गिरेंगी, यहाँ पे गिर रही जाके, ये 30 डिग्री गिर गई। गिरने के बाद ये वाली को इग्नोर करें, गोले का आधा हिस्सा समझते हैं, हेमीस्फीयर, कौन सा नर्तन, यहाँ पे गिर गई। गिरने के बाद जैसे आरे में लकड़ी देते हैं तो 2 हिस्से बनते हैं, वैसे इसके भी 2 हिस्से बन गए, जैसे लेग स्ट्रेचिंग नहीं करते, तो ये गिरने के बाद इसके भी 2 हिस्से बने, ऐसे टूटी, एक हिस्सा टूट करके वापस आया इक्वेटर की तरफ, फिर उठ गया, फिर वापस, फिर गिरी, तो एक सेल बन गया। और जब 30 डिग्री पे गिरी थी, ये गिर के किधर को जा रही है, 60 डिग्री पे, ठीक है।
60 डिग्री पे जाने के बाद ये फिर से क्या हो रही हैं, ऊपर उठ रही हैं।